अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बिलाल उम्मीद वाला। तो लास्ट की वीडियोज़ में हम लोग एक वेबसाइट बना रहे थे और मैंने आपको बताया था आपने वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे पे वर्किंग करनी है। अब की जो ये वेबसाइट है इस पर हम स्टार्ट करेंगे कि आप जो है किस तरह से एक ई कॉमर्स वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं। आप जो प्रोडक्ट्स ऑनलाइन सेल कर रहे हैं, आप अपनी खुद एक वेबसाइट बनाएं और सारे प्रोडक्ट्स उसमें लाइव करें, देन उसको आप सेल करें। ये एक फैशन की वेबसाइट है जहाँ पे आपके ड्रेसेस वगैरह हैं, तो कुछ इस तरह का हम लेआउट कॉपी करेंगे। जस्ट सारा डाटा जो है मैं यहाँ लूँगा और सारा डाटा जो है वो कॉपी होगा, वो एक डमी डाटा होगा, आप खुद अपने हिसाब से डाटा को सेट कीजिएगा। यहाँ तक का हमारा वर्क हो गया था, मैंने वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर दिया था और थीम वगैरह सब कुछ सर्विस हो चुकी थी। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आया तो काइंडली आप मेरी प्रीवियस वीडियोज़ को वॉच करें, देन आप इस वीडियो को दोबारा से देखिएगा, तब आपको ये सब अच्छी तरह समझ में आएंगी। और अगर आपको फिर भी कोई इशू हो तो वीडियो को रिपीट कर सकते हैं, वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह होपफुली आपको आंसर करूंगा। कुछ बेसिक सेटिंग्स हैं। अब मैंने इस पेज को जो है मैंने एडिट कर लिया है और यहाँ से मैंने स्पेशली क्या करना है, कुछ पेज की सेटिंग करनी है। रिमूव पेज टाइटल है जो कि ये पेज टाइटल मुझे इसको रिमूव करना है। जहाँ पे टॉप पे एक टूल बार है जो मुझे सेट करना है उसको भी, तो मैं इस टूल अपडेट करता हूँ जब जहाँ तक जब तक के। और इसके साथ ही मैं एक थीम ऑप्शंस पे क्लिक करता हूँ। याद रखिए थीम ऑप्शंस वो ऑप्शंस होते हैं जहाँ पे आप अपनी पूरी वेबसाइट को ग्लोबली जो है उसको चेंज कर सकते हैं। तो ये कलर है हमारा, एक थीम का मेन कलर है, मेन आप कह लें वेबसाइट का। और इसके बाद जो है कुछ एक टूल बार है, हेडर टूल बार, और हेडर टूल बार का कलर जो है मैं एक लाइट ग्रे दे देता हूँ ताकि हमारे सामने वो एक कलर शो हो जाए। मैं कुछ स्टेप्स जो है वो थोड़ा तेज़ी से फॉलो करूँगा, तो आप वीडियो को रिपीट कर सकते हैं या मेरी प्रीवियस वीडियोज़ देख सकते हैं, ये क्वेश्चन ये कमेंट कर सकते हैं आपको कुछ ही समझ में ना। यहाँ आप देखें कि एक छोटी सी एक ये टूल बार शो हो चुकी है। इसके साथ साथ ही मैं चेंज कर लेता हूँ लोगो। लोगो आप जो भी लोगो बनाएं आप वो चेंज कर सकते हैं, लोगो की डायमेंशंस आप चेंज कर सकते हैं। मैंने यहाँ को इसको सेव कर दिया। और फेविकॉन भी मैं चेंज करता हूँ। फेविकॉन बेसिकली जैसे यहाँ पे स्टार नज़र आ रहा हो, यहाँ पे ये बॉक्स नज़र आ रहा है, आप यहाँ पे कुछ भी फेविकॉन लगा सकते हैं। और इसके साथ ही मैं स्क्रिप्ट चेंज पे क्लिक कर दिया, मैं अपडेट कर रहा हूँ। तो कुछ चीज़ें आपको दिखाना है कि जैसा यहाँ पे लोगो आ जाएगा, देखिए यहाँ पे लोगो आ चुका है, इसके आप साइज़ वगैरह सेट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जैसे यहाँ पे बहुत कम स्पेस है टॉप एंड बॉटम से, आप जब भी लोगो डिज़ाइन करें तो टॉप एंड बॉटम से थोड़ा सा आप स्पेस दे देंगे, तो जब आप वहाँ पर स्पेस दे देंगे तो लोगो में भी स्पेस आ जाएगा। ठीक है, अच्छा कुछ और चीज़ें हैं एग्जाम्पल के तौर पर, मैं अपने टूल हेडर टूल बार को सेट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर टैग लाइन दे देता हूँ मैं। ईमेल एड्रेस आप देना चाहें जो आपका डोमेन हो, फ़ोन नंबर आप देना चाहें। लॉगिन फॉर्म को मैं अभी ऑफ कर रहा हूँ और उसके बाद मैं इसको सेव चेंज पे क्लिक करता हूँ। ये चीज़ मैं इसको अपडेट करता हूँ। यहाँ पे ये कलर्स आ चुके हैं, लेकिन अगर आप इनकी कलर्स को या इनकी डिटेल्स को चेंज करना चाहें तो आप वो भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक न्यू स्लाइडर ऐड कर लेता हूँ, जैसा कि यहाँ पर एक स्लाइडर है, तो कुछ ऐसे स्लाइडर ले लेते हैं, बेसिकली इसी कॉपी कर लेते हैं और इसको हम देख लेते हैं कि कौन सा स्लाइडर है। होम पेज के नाम को स्लाइडर बना लिया मैंने, इसकी विड्थ दे दी 1500, आप दे 1500, आप स्टैंडर्ड है, आप कुछ भी दे सकते हैं, 1500 दे सकते हैं, 1920 दे सकते हैं, ये आपकी वेबसाइट पे आपकी क्वालिटी डिपेंड कर रहा होता है। यहाँ से मैं इसको 500 की हाइट कर देता हूँ, मुझे सेटिंग चाहिए फुल विड्थ, और मैं इसको सेव चेंज पे क्लिक करता हूँ। सेव चेंज पे क्लिक करने के बाद जो है मैं स्लाइड्स पे जाता हूँ और एक स्लाइड अपलोड करता हूँ। इस इमेज को मैंने अपलोड कर दिया, यहाँ से इंसर्ट इमेज किया, इमेज यहाँ पे आ गई है, मैंने सेव चेंज पे क्लिक किया। और यहाँ पे आने के बाद जो है मैंने लेयर स्लाइडर का एलिमेंट कॉल किया, लेयर स्लाइडर, यहाँ से हमारे पास स्लाइडर है होम सेव, और देन जो है हमने इसको यहाँ पे किया अपडेट पे क्लिक किया, और यहाँ पे इसको हमने रिलोड पे क्लिक किया, यहाँ स्लाइडर हमारे में शो हो चुका है। कुछ चीज़ें जैसे कि ये स्पेस आ रहा है, इस स्पेस को अगर मुझे ख़त्म करना है सिर्फ इसी पेज से, तो यहाँ से मैं स्टिक टेम्पलेट कर दूंगा तो ये स्पेस यहाँ से रिमूव हो जाएगा और प्रॉपर ये टॉप से स्लाइडर हो जाएगा। और जो बिल्कुल एक बॉर्डर आ रहा है ये भी थीम ऑप्शन में ही मौजूद है हेडर में, और हेडर में पहले मैं ये कलर कॉपी कर लेता हूँ। आप मेरे स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो होपफुली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप सेम एज इट इज़ वर्क कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ स्टाइल्स हैं, आप इनको चेंज वगैरह कर सकते हैं कि आपको किस तरह का हेडर का स्टाइल चाहिए। हेडर बॉटम कलर ये वही कलर है जो कि ये वाला जो एक आपको बॉर्डर नज़र आ रहा है। उसके बाद मुझे इस तरह का मेन्यू चाहिए। अच्छा, मेन्यू में आने के बाद मुझे मेन्यू का कलर ये चाहिए या ये कलर, और टॉप का मुझे ये कलर चाहिए। 15 कर देता हूँ मैं इसको, 15 कर दिया, और 600, देन सेव चेंज, अगेन मैंने रिलोड किया, यहाँ पे मेन्यू आ गया,
फॉन्ट जो है वो मैं चेंज कर, फॉन्ट मैं ओपन सेंस कर देता हूँ, ये मैं लाटो फॉन्ट कर देता हूँ, तो मैं टाइपोग्राफी में आ गया और यहाँ से मैंने फॉन्ट लिया, फॉन्ट में ओपन सेंस, आई थिंक रोबोटो ज़्यादा अच्छा रहेगा। डिफरेंट फॉन्ट्स हैं गूगल के, आप वो भी चूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ से किया सेव, चेंज अगेन, अगेन पेज रीलोड। तो यहाँ पे आप चीज़ चेंजेस देखेंगे कि ये चीज़ होम अबाउट अस, हम यहाँ पे डिफरेंट पेजेस ऐड करेंगे, देन आप देखेंगे यहाँ पे सोशल मीडिया के लिंक्स मैं देना चाह रहा हूँ, तो मैं थीम ऑप्शंस में आऊँगा, यहाँ से मैं हेडर में आऊँगा। हेडर में आने के बाद यहाँ बॉटम में हम देखेंगे यहाँ पर सोशल मीडिया के लिंक्स आ रहे होंगे, जैसे कि मैंने यहाँ से हेडर टूल बार में ले लिया सोशल नेटवर्क्स, यहाँ से मैं चूज़ कर लेता हूँ फेसबुक। आप यहाँ डिफरेंट ऐड कर सकते हैं, मैंने यहाँ फेसबुक ले लिया और मैं यहाँ पे डमी लिंक हैश दे देता हूँ, यस। नेक्स्ट कर लेता हूँ मैं इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम करने के बाद मैंने अगेन कर ली, यस। मैंने सेव चेंज पे क्लिक किया, यहाँ से मैं रीलोड करता हूँ, यहाँ पे सोशल मीडिया के लिंक्स अवेलेबल हो गए। अच्छा, इनकी जो कलर्स हैं आप वो चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ से वो कलर्स वगैरह आप चेंज कर सकते हैं, तो मैं इस पर टाइम नहीं लगाऊंगा। अच्छा, यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है बड़ा इजी है, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, ये टेक्स्ट मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, और अब हम इस टेक्स्ट को सेट करेंगे। सबसे पहले मैं मेन डाटा है इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ बहुत आसान है इसको यूज़ करना, आपने जस्ट ये करना है कि आपने ऐड न्यू पे क्लिक करना है और टेक्स्ट को हम ले लेते हैं यहाँ से। मैंने पेस्ट कर दिया, टेक्स्ट को मैच वन ले रहा हूँ यहाँ पे, और देन आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी, या आप इसको मूव भी कर सकते हैं, इसके डिफरेंट कंट्रोल्स हैं यहाँ पे। स्टाइल्स में जाके मैं इसको यहाँ से 78 पिक्सल है जो मैं इसको 64 कर देता हूँ, यहाँ से फॉन्ट वेट जो है मैं इसको 300 कर देता हूँ, ठीक है, ये हो गई ये स्टाइल। देन जो है हमारा एक ये हो गया, अगेन न्यू टैक्स, टैक्स करने के बाद आप यहाँ से मिर्ची ऑन सेल से ले सकते हैं, और यहाँ पे मैं वही स्टाइल है हमारा, हमने इसको 18 से ले लिया 24 24, देन फॉन्ट वेट जो है मैंने अगेन 300 कर दिया, और इसको हम ले लेते हैं यहाँ पे, ये हमने इसको यहाँ पे रख दिया। और जो इसकी लेटर स्पेसिंग है मुझे थोड़ी सी ज़्यादा करनी है, तो लेटर स्पेसिंग जो है हम यहाँ से 5 पिक्सल कर देते हैं, आप 5 अकॉर्डिंग टू योर नीड्स कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा हो गया 5, तो यहाँ से मैं शो कर देता हूँ 3, तो आप लेटर स्पेसिंग देख लें सेट हो गई थोड़ी बहुत, ठीक है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे अप टू 70% ऑफ, तो यहाँ पे हम देखें सर से लिखा हुआ है कुछ, तो यहाँ पे हम अगेन एक न्यू टेक्स, और यहाँ से हम अप टू 70% ऑफ स्टाइल्स पे जाते हैं, यहाँ से हमें 24 था, 24 से मैं 36 पे आ गया हूँ, ये आप कस्टम भी ले सकते हैं, चलें मुझे यही सेट लग रहा है। और फॉन्ट वेट जो है मैं ले लेता हूँ यहाँ से अगेन 300, आप अकॉर्डिंग टू योर नीड ले सकते हैं। मैं इस फॉन्ट को मैं कर लेता हूँ ब्लैक में, मैं यहाँ से फॉन्ट वेट ब्लैक कर लेता हूँ। नेक्स्ट जो है शॉप द सेल को हम यहाँ से कॉपी करते हैं, और इस तरह से एक और हम लेयर ऐड करते हैं टेक्स की, और शॉप द सेल पे क्लिक कर दिया। करने के बाद मैंने इसको फॉन्ट को किया और 24, आप फॉन्ट स्टाइल जो भी लिख सकते हैं, आपको अगर 25 एग्जाम्पल चाहिए 25 लिख देंगे तो 25 का आ जाएगा, और मुझे यहाँ पे बॉर्डर बॉर्डर है बॉटम में, एग्जाम्पल यहाँ आप देखेंगे बॉर्डर है बॉटम में, तो 1 पिक्सल का बॉर्डर मुझे लग रहा है कि 1 पिक्सल का है, बड़ा इजी है। आपने इसे बॉर्डर लिखा हुआ, बॉर्डर हमें बॉटम में चाहिए, बॉटम में कैसे चाहिए, अब इसे होल्ड करेंगे ऑटोमेटिकली बता रहा है आपको, इसको हम चेंज कर देते हैं, तो यहाँ पे ही बॉर्डर आ चुका है। इस लेटर की जो स्पेसिंग है, लेटर का जो स्टाइल है, वेट है, वो सब कुछ आप चेंज कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया यहाँ से, तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो मेरे ख्याल से आप कर लेंगे। कोई क्वेश्चन आप कमेंट कर सकते हैं। अब जैसे कि मुझे ये यहाँ पे ये बटन लगा हुआ है, तो अब देखें ये बटन लगा हुआ है, तो मुझे बटन बनाना है इसको, बहुत आसान है, आप सिंपल सेलेक्ट कर लें, लिंक पे जाएं, यहाँ पे आप कस्टम लिंक दे देंगे तो वो बटन पे चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल आप कहते हैं कि बटन पे जो है वो कलर चेंज हो जाए, तो हम कलर को चेंज कर देते हैं बटन पे, मैं आता हूँ वापस लेयर सेटर पे, और जैसे मैं ट्रांजिशंस पे आता हूँ, ओवर ट्रांजिशंस एनेबल कर देता हूँ, एनेबल पर जो उसका टेक्स्ट कलर है वो ये हो जाए, मैंने सेव चेंज पे क्लिक कर दिया, रिलोड पे यहाँ पे आके रिलोड पे करता हूँ, ये आप देखेंगे कि ये ओवर पे लिंक भी बन गया, यहाँ पे हम अगर शॉप पेज का लिंक दे दें तो आप कर सकते हैं। तो ये आज की जो क्लास थी वो आप इसकी प्रैक्टिस करें, और कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कर सकते हैं, होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।